सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 71 वर्धन फैमिली का अतीत। टावर ट्रायल के अंदर विराज को अपने परिवार का इतिहास जानने को मिला था, साथ ही विराज को फरहान से वर्धन फैमिली के बारे में जानने का असाइनमेंट भी मिला था। ऐसे में टावर ट्रायल से बाहर आने के बाद विराज की नजरें फरहान को ढूंढने लगी और जैसे ही उसे फरहान दिखाई दिए वो तेजी से उनके पास चला गया। फरहान ने विराज को मिलते ही कहा, बहुत बहुत बधाई विराज, तुमने कल कमाल का प्रदर्शन किया है। तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने एक निश्चित समय में पूरा करने वाले असाइनमेंट टावर ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको इनाम में 2,00,000 एनर्जी पॉइंट्स दिए जाते हैं, साथ ही लकी ड्रॉ खेलने का एक अवसर भी मिलता है। सिस्टम की आवाज को सुनकर विराज ने फरहान की ओर देखकर गंभीरता के साथ कहा, फरहान सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के साथ पहले के समय में क्या घटा था। फरहान ने एक हल्की मुस्कान के साथ विराज के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, बिल्कुल, क्योंकि अब तुम एक इननेट मास्टर बन चुके हो तो तुम्हारे पिता के वचन से मैं मुक्त हो चुका हूँ और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ था। मेरे साथ चलो। ये कहकर फरहान कलिंजर संस्थान के पहाड़ों की तरफ वापस चल दिए। फरहान को जाते देख विराज भी तेजी से उनके पीछे चल दिया। इनाया को बड़ा अजीब लगा था कि विराज उससे मिले बिना सीधे फरहान के साथ चला गया। कुछ देर सोचने के बाद वो उन दोनों के पीछे चल पड़ी। कलिंजर संस्थान के पीछे एक पहाड़ के चट्टानी जंगल के बीच में फरहान और विराज खड़े थे। फरहान ने अपना हाथ घुमाया और उनके चारों ओर रचनाकार पारदर्शी दीवार खड़ी हो गई ताकि उन दोनों की बातें कोई और ना सुन सके। फरहान ने एक चट्टान पर बैठते हुए कहा, अब बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। विराज ने दूसरी चट्टान के ऊपर बैठते हुए कहा, काल्पीवर्धन, अभयवर्धन और वर्धन फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था? आखिर क्यों मेरे पिता को काल्पी सिटी में शरण लेनी पड़ी थी और इन सब घटनाओं में राजधानी की वसु फैमिली का क्या हाथ है? ये सुनकर फरहान थोड़ा चकित रह गया। उन्होंने अपने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें तो काफी कुछ पहले ही पता चल चुका है। क्या टावर ट्रायल में सम्राट परिहार की झलक के अवतार ने तुम्हें इस बारे में बताया है? विराज को पता था कि फरहान संस्थान के विशेष शिक्षक हैं। ऐसे में उन्हें सम्राट परिहार के वहां होने की जानकारी तो होगी ही। इस वजह से उसने फरहान से कहा, हाँ, मुझे उनसे भी कुछ जानकारी मिली है। काल्पीवर्धन अभयवर्धन के बड़े भाई थे। ये दोनों ही तुम्हारे पूर्वज हैं। काल्पीवर्धन उन 7 लोगों में से एक थे जिन्होंने मिलकर कलिंजर अंपायर की नींव रखी थी, इस कलिंजर अंपायर के पहले सम्राट परिहार के साथ मिलकर। जिन 7 लोगों ने मिलकर कलिंजर अंपायर की नींव रखी थी उनमें से 2 लोग वर्धन फैमिली से थे, एक थे काल्पीवर्धन और दूसरे थे अभयवर्धन। सम्राट परिहार कलिंजर अंपायर के सम्राट बने। इसके अलावा बाकी 4 लोग थे। एक थे लाल सागर की चंद्रवंशी फैमिली के पूर्वज करालवंत चंद्रवंशी, दूसरे थे राजधानी की वसु फैमिली के पूर्वज, तीसरे थे राजधानी की दक्ष फैमिली के पूर्वज जवाली दक्ष और चौथे थे कलिंजर संस्थान के प्रथम डीन भद्रसेन रुद्र। इन सभी 7 लोगों में सम्राट परिहार और वर्धन फैमिली के अभय वर्धन सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। आज से 500 साल पहले विदिशा शहर पर काल्पी वर्धन का राज चलता था। उस समय विदिशा के हड्डियों के राजा ने हमला कर दिया। उसके बाद काल्पी वर्धन कहीं चले गए। किसी को नहीं पता कि वो कहां चले गए। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस वजह से विदिशा की कमान अभय वर्धन के हाथों में आ गई। जिस समय हड्डी राजा अपनी सेना लेकर विदिशा के बाहर खड़ा था उस समय वर्धन फैमिली के प्रमुख विष्णु वर्धन एक विशाल सेना लेकर हड्डी राजा से युद्ध करने चले गए, परंतु दुर्भाग्यवश वो उस युद्ध में मारे गए। उस युद्ध से मिली हार ने वर्धन फैमिली के कई योद्धाओं को छीन लिया, जिस वजह से वर्धन फैमिली बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गई।
बाकी राजवंशों के परिवारों ने अपने आप को उस युद्ध की क्षति से बचा लिया। इस कारण से वो शक्तिशाली बने रहे। हड्डी राजा की सेना का सेनापति राजधानी की वसु फैमिली का ही एक सदस्य था। ऐसा कहते ही फरहान की आंखों में खून उतर आया। उसका शरीर गुस्से की अग्नि में तपने लगा और उसने उत्तेजना के साथ कहा। इसके बाद वसु फैमिली ने कहा कि उनका वो सदस्य गद्दार हो गया था और जाकर दुश्मनों के साथ मिल गया था और इस गद्दार ने वर्धन फैमिली के योद्धाओं को मार डाला था। उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। हालांकि सभी जानते थे कि ये राजधानी की वसु फैमिली की सोची समझी चाल थी। राजधानी में सत्ता के शीर्ष को पाने की दौड़ में दक्ष फैमिली कभी नहीं रही। वो अपने चार नंबर की हैसियत को संभाल कर रखने में ही खुश थे। ऐसे में वसु फैमिली को उनसे कोई खास खतरा नहीं था। वरिहार फैमिली तो कलिंजर अंपायर की सम्राट थी। उन्हें हाथ लगाने की वसु फैमिली की औकात नहीं थी। तो बची वर्धन फैमिली। तो राजधानी की वसु फैमिली ने वर्धन फैमिली को समाप्त करने के लिए हर तरह के षड्यंत्र को जन्म दिया। ये सुनते ही विराज की आंखों में आंसू आ गए। अपने परिवार की दयनीय हालत को जानने पर वो अंदर ही अंदर बहुत विवश महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से की अग्नि में दहकने लगा। उसने अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करते कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली जो कि काल्पी सिटी तक ही सिमट कर रह चुकी है, कभी पूरे कलिंजर एम्पायर के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक थी। हड्डी प्रजाति और भूत प्रजाति हमेशा से ही मनुष्य प्रजाति की घोर शत्रु रही थी। मनुष्य और हड्डी प्रजातियों की आपसी लड़ाई में कितने ही योद्धा मिट्टी के नीचे दफन हो चुके थे। ये देखकर फरहान चट्टान से उठकर विराज के पास गए और उसे अपने सीने से लगा लिया। फरहान के सीने से लगकर विराज की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वो अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए पुरजोश कोशिश कर रहा था, पर राजधानी की वसु फैमिली की नीच हरकतों पर उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण किया। इसके बाद फरहान वापस से आकर चट्टान पर बैठ गए और आगे कहना शुरू किया। उसके 200 साल बाद यानी आज से 300 साल पहले ब्लैक फायर पाइथन धर्म का कहर पूरे कलिंजर अंपायर पर छा गया था। इस ब्लैक फायर पाइथन धर्म की मदद से राजधानी की वसु फैमिली ने वर्धन फैमिली के बचे हुए योद्धाओं को भी समाप्त कर दिया। वर्धन फैमिली के कुछ ही लोग कलिंजर संस्थान की छत्र छाया में और राजधानी की दक्ष फैमिली की मदद से भागने में कामयाब रहे। इसके बाद वर्धन फैमिली के वो लोग कहां गए किसी को कुछ नहीं मालूम पड़ा। दक्ष फैमिली को भी वर्धन फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर फरहान चुप हो गए और विराज की ओर शांत नजरों से देखने लगे। फिर उन्होंने लंबी गहरी सांस ली और विराज से कहा, फिर आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिता इंद्र वसु अचानक से राजधानी में प्रकट हुए। उन्होंने राजधानी में तूफान खड़ा कर दिया। राजधानी की वसु फैमिली के विरुद्ध एक पूरा अभियान चलाया ताकि अपनी फैमिली के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके, पर दुर्भाग्य से वो अपने इस कार्य को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने राजधानी छोड़ दी और गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि वो कहां चले गए। अगर मैं इनाया के कहने पर काल्पी सिटी न आया होता तो मुझे कभी भी वर्धन फैमिली के काल्पी सिटी में होने की जानकारी नहीं मिलती और साथ ही यह भी नहीं पता चलता कि तुम्हारे पिता यहां छुपे हुए थे। यह कहकर फरहान शांत हो गए। क्रोध से दहकते विराज को तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने अतीत के खजाने की दूसरी कड़ी पुराने जख्म असाइनमेंट 2x9 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको इनाम में 1,00,000 एनर्जी पॉइंट्स दिए जाते हैं। साथ ही इंद्र वसु की एक याद भी आपको मिलती है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने अतीत के खजाने की तीसरी कड़ी बदला असाइनमेंट ट्रिगर कर लिया है। आपको चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए होने वाले मुकाबले में राजधानी के वसु फैमिली के सभी प्रतिभावान योद्धाओं को मात देनी होगी। इस तरह आप राजधानी की वसु फैमिली से बदला लेने की पहली कड़ी पूरी करेंगे। आपको हर योद्धा को हराने पर 2,00,000 एनर्जी पॉइंट्स दिए जाएंगे
साथ ही एक लकी ड्रॉ टिकट खेलने का मौका भी मिलेगा। सिस्टम की आवाज को सुनने के साथ ही विराज के अंदर उत्तेजना का समंदर हिचकोले लेने लगा और तभी उसके दिमागी तलवार धार उसके शरीर के बंधनों को तोड़ते हुए निकल गई और हवा से होते हुए सामने रखी एक चट्टान पर जा पड़ी। ऐसा होते ही चट्टान पर कई सारी दरारें उभर आई और शीघ्र ही चट्टान टूटकर बिखर गई। ये देखकर फरहान ने विराज से कहा, विराज अपने आप को संभालो, क्रोध मनुष्य को केवल दुर्बल बनाता है। तुम्हारे पूर्वज महान थे, उन्होंने आखिरी दम तक संघर्ष का मार्ग थामे रखा। वो एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। तुम्हें शांत रहकर अपनी योजनाओं को अंजाम देना होगा। अशांत मन केवल विध्वंस लाता है, उससे कुछ हासिल नहीं हो पाता। धैर्य रखो, सही समय के लिए खुद को तैयार करो। तुम्हें इस समय अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। किसने किया ये? तभी ये आवाज वहां गूंज गई। आवाज को सुनकर विराज ने तेजी से अपनी सुराघहीन तलवार बाहर निकाल ली। फरहान और विराज उस आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। तभी एक चट्टान के पीछे से इनाया प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्से की ज्वाला धधक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इनाया को देखकर विराज चौंक गया और कहा, दी आप? उसने राहत की सांस ली, फिर उसने कहा, दी आप यहां क्या कर रहे हो? तभी इनाया ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, विराज तुम इतना सब जानते थे और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, आखिर क्यों मुझसे ये सब छिपाया तुमने? ऐसा कहते हुए उसके चारों तरफ बर्फ का तूफान उठना शुरू हो गया। आसमान पर काले बादल इकट्ठा होना शुरू हो गए और आकाश में अंधेरा होने लगा। अपनी बहन के इस रौद्र रूप को देखकर विराज सकपका गया। उसे पता था कि उसने अपनी बहन से अपने परिवार पर हुए इस अत्याचार की बात को छिपाया था, पर उसे अभी अपनी बहन के गुस्से को किसी तरह शांत करना था। उसने कहा, दी मुझे लगा कि फरहान सर ने आपको बता दिया होगा, वैसे भी मुझे अभी अभी टावर ट्रायल और फरहान सर से ये पता चला है, इससे पहले मुझे भी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। ये सुनकर इनाया का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। विराज अपना था, अगर उसने ये जानकारी छिपाई थी तो ये कृत्य माफी लायक नहीं था, पर फरहान वो परिवार नहीं था, वो तो एक बाहरी इंसान थे, पर फिर भी वो उसके गुरु थे। इनाया विराज की बात सुनकर फरहान की ओर देखने लगी। आखिर क्या फरहान और विराज मिलकर इनाया के गुस्से को शांत कर पाएंगे? क्या इनाया और विराज मिलकर राजधानी की वसु फैमिली को समाप्त करने के लिए निकल पड़ेंगे, या वो सही समय का इंतजार करेंगे ताकि सही समय पर सटीक चोट वसु फैमिली को पहुंचा सके? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 72, विराज और इनाया का संकल्प। फरहान इनाया से कहता है, इंदिरा वसु ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक तुम दोनों पर्याप्त शक्तिशाली न बन जाओ, तुम दोनों को वर्धन फैमिली के इतिहास के बारे में कुछ न बताऊं। उन्हें डर था कि कहीं तैश में आकर तुम लोग कुछ गलत न कर जाओ। मैं समय आने पर तुम्हें बताने ही वाला था। इनाया ने कहा, मतलब आप विराज को बता सकते हैं पर मुझे नहीं? फरहान ने चट्टान से उठते हुए उत्तर दिया, यकीन करो मेरा, विराज को बताने के बाद तुम्हें ही ये सब बातें बताने की मैं सोच रहा था। धीरे धीरे इनाया का गुस्सा शांत होने लगा। आकाश में उमड़ते काले बादल छटने लगे और मौसम फिर से खुल गया। इनाया के चारों ओर मंडराता तूफान शांत होकर इनाया में समा गया। इनाया ने शांत होते हुए कहा, आगे से मुझे पता चला कि आप दोनों ने मुझसे कुछ छिपाया है तो यकीन मानो परिणाम सुखद तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सुनते ही विराज और फरहान ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। माहौल की गंभीरता को बदलने के लिए विराज ने इनाया से कहा, चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए मुकाबला कुछ ही महीनों में होने वाला है। मैं सोच रहा हूं कि इसी मुकाबले में राजधानी के वसु फैमिली के सभी प्रतिभावान योद्धाओं को मौत के घाट उतार दूं।
यह सुनने के बाद इनाया एक चट्टान पर जाकर बैठ गई और बोली, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। अग्नि देवी रैंकिंग और चंद्रगुप्त रैंकिंग के मुकाबले एक साथ ही शुरू होंगे। अग्नि देवी रैंकिंग में वसु फैमिली के योद्धाओं को बंजर ना कर दिया तो मेरा नाम भी इनाया वर्धन नहीं है। फरहान ने जब दोनों भाई बहनों की बातें सुनी तो कुछ पलों के लिए अंदर ही अंदर वो थर्रा उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो शांत खड़े होकर सोचने लगा, इन दोनों की क्षमताएं बेमिसाल है। शक्ति और बुद्धि का मेल इन दोनों में कमाल का है। कुछ महीनों की साधना के बाद तो इनमें इतनी शक्ति होगी कि ये वसु फैमिली के सभी योद्धाओं को धूल चटा देंगे। फरहान को भी लगा कि इन दोनों के दिमाग में सही योजना पनप रही है, बस इन्हें सही राह दिखाने की जरूरत है। ये सोचते ही फरहान ने अपने आप को शांत किया और फिर विराज की ओर देखकर कहा, विराज तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, तुम्हें अब जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने इनाया की ओर देखा और कहा, तुम्हें कलिंजा संस्थान के पीछे स्थित सागर मत पहाड़ की स्वर्गीय शक्ति से प्रेरित बर्फ गुफा में चले जाना चाहिए। कुछ समय वहां एकांतवास करके कठोर साधना करने की तुम्हें जरूरत है। इससे तुम्हारे अंदर अपार शक्ति का संचार होगा, साथ ही अपनी शक्ति पर नियंत्रण बनाने में भी तुम्हें मदद मिलेगी। ऐसा कहने के बाद फरहान ने अपना हाथ हिलाकर चारों ओर बनी पारदर्शी रचनाकार दीवार को गिरा दिया और वहां से चले गए। विराज तेजी से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अपने कमरे पर पहुंचने के बाद उसने कुछ देर आराम किया, फिर उसने लेटे लेटे ही सिस्टम से पूछा कि उसके पास क्या क्या इकट्ठा हो चुका है। सिस्टम ने जवाब दिया, आपके पास लकी ड्रॉ खेलने के 5 मौके हैं। एक मौका जीवन दर्शन पाने का है, साथ ही एक मौका तकनीक दर्शन पाने का है, जिसमें आप अपनी किसी भी मार्शल तकनीक को बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर विराज की आंखें चमक गई और उसने सिस्टम से पूछा, तो क्या ये तकनीक दर्शन से अपनी तकनीक को बढ़ाने की कोई सीमा भी है? जिस समय उसका नाम एलाइट लिस्ट में प्रथम आया था, उस समय सिस्टम ने उसे तकनीक दर्शन को पाने का एक मौका दिया था। इस समय सिस्टम ने जवाब दिया, आप जिस भी तकनीक को बढ़ाने के लिए चुनते हैं उसके लेवल को किसी भी स्तर तक बढ़ा सकते हैं, पर अपनी तकनीक को बढ़ाने के लिए आपको दिया गया समय सीमित है। जैसे जीवन दर्शन में आपको 1 घंटे का समय मिलता है, वैसे ही तकनीक दर्शन में भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही तकनीक का जितना ज्यादा लेवल होगा उसकी क्षमता को बढ़ाने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और अगर तकनीक जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर उस तकनीक के शीर्ष तक पहुंचना दिए गए समय में संभव नहीं हो सकेगा। सिस्टम की आवाज सुनते ही विराज ने सिस्टम से कहा, ठीक है फिर तकनीक दर्शन को तुरंत शुरू करें। तभी सिस्टम की आवाज आई, तकनीक दर्शन का 1 घंटा शुरू होता है। यह सुनते ही विराज पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। स्वर्ग और धरती की ऊर्जा चारों ओर से आकर उसमें समाने लगी। ठीक उसी समय एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा ने आकर उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी अंतरात्मा का समुद्र ऊर्जा की इस विशाल और शक्तिशाली मात्रा से कांप उठा। उसमें जोर जोर से लहरें उठने लगी। कुछ समय बाद उसका दिमाग शांत हो गया और अंतरात्मा का समुद्र भी शांत हो गया। अनगिनत शब्द उसकी अंतरात्मा के सागर के ऊपर प्रकट होने लगे। उन शब्दों को प्रकट होता हुआ देख वो समझ गया कि उसका तकनीक दर्शन का समय शुरू हो चुका है। ऐसा सोचते ही उसने अधूरी मैचिंग हार्ट तकनीक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। विराज ने अधूरी मैचिंग हार्ट तकनीक को पूरा करने का मन बनाया था। इसका कारण ये था कि मैचिंग हार्ट तकनीक पूरा हो जाने पर बिजली की तलवार और बिजली के कदम तकनीक को हाई ग्रेड अर्थ रैंक तक लेकर जा सकता था। इससे इन दोनों तकनीकों की शक्ति में भयानक वृद्धि हो जाती। इसके साथ ही दूसरा लाभ ये था कि मैचिंग हार्ट तकनीक को पूरा करने का उसे एक असाइनमेंट भी मिला था। हालांकि हेवन स्टेज मार्शल स्किल प्राप्त करने के लिए उसे मैचिंग हार्ट तकनीक के साथ बहती बिजली मास्टर की तलवार को भी ढूंढना था। विराज ने मैचिंग हार्ट तकनीक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही अनगिनत आकृतियां उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर उत्पन्न होने लगी। वो उन आकृतियों के अंदर चमकती हल्की रोशनी को देख पा रहा था।
तभी कुछ आकृतियों की हल्की रोशनी तेज होने लगी। बाकी बची हल्की रोशनी वाली आकृतियां जल्द ही पानी के बुलबुले की तरह बुलबुले बनकर हवा में समा गई और अपने पीछे कुछ चमकती हुई आकृतियों को छोड़ गई। उन आकृतियों के अंदर चमकती रोशनी को देखकर वो सोचने लगा, लगता है ये सभी आकृतियां मैचिंग हार्ट तकनीक को विकसित करने के लिए अपने अपने मार्ग हैं, पर मुझे नहीं पता कि इन मार्गों में से सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है जिसे चुनकर मैं मैचिंग हार्ट तकनीक को सबसे उन्नत अवस्था तक पहुंचा सकूं। अगर मैंने गलत मार्ग चुन लिया तो मैं मैचिंग हार्ट तकनीक को उस स्तर तक नहीं ले जा पाऊंगा जहां ये तकनीक बहती बिजली की तलवार टेक्निक और बहती बिजली के कदम टेक्निक को हाई ग्रेड अर्थ रैंक में बदल सके। ऐसे में मेरा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। ये सोचकर विराज ने हर आकृति पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उसने पाया कि कुछ आकृतियों पर ध्यान लगाने पर वो आकृतियां पद्मासन की मुद्रा से उठकर बहती बिजली के कदम के अनुरूप चलने लगती है। इसे देखकर वो समझ गया कि आकृतियां ही सच्ची मार्गदर्शक हैं। ऐसे सोचते ही उसने हर उस आकृति को नष्ट कर दिया जो पद्मासन की मुद्रा से उठ नहीं रही थी। ऐसा करते ही उसकी आंखों के सामने अब 12 आकृतियां ही बची थी। उसे अब इन 12 आकृतियों में से किसी एक आकृति को चुनना था। अब उसने महान सम्राट समर सिंह के हैंडल पर ध्यान लगाया। ऐसा करते ही एक विशालकाय तलवार समुद्र के अंदर से उठी और 12 में से 9 आकृतियों को काट डाला। इस तरह अब विराज के सामने 3 आकृतियां बची थी जिनसे मैचिंग हार्ट तकनीक को विकसित करने के 3 मार्ग थे। फिर उसने एक एक करके तीनों आकृतियों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। पहली आकृति देखने में उसे बेहद आक्रामक लग रही थी, पर उसकी हमला करने की शक्ति बाकी 2 आकृतियों से ज्यादा थी। दूसरी आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रक्षात्मक प्रणाली की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। तीसरी आकृति ना तो बेहद आक्रामक थी और ना ही बेहद रक्षात्मक, बल्कि वो दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग उपलब्ध करा रही थी। विराज को अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए शक्तिशाली हमला करने की जरूरत थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने तीनों आकृतियों में से पहली आकृति को चुन लिया। उसके ऐसा करते ही बाकी 2 आकृतियां पानी के बुलबुलों की तरह बुलबुले बनकर हवा में समा गई। इसके ठीक बाद बड़ी मात्रा में सूचनाओं का विस्फोट उसके दिमाग में होने लगा। वो सभी सूचनाओं को तेजी के साथ अपने दिमाग में व्यवस्थित करने लगा। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने मैचिंग हार्ट तकनीक को पूरा कर लिया है। आपने हाई ग्रेड अर्थ रैंक तकनीक मैचिंग हार्ट तकनीक प्राप्त कर ली है। मैचिंग हार्ट तकनीक को पाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। कुछ देर बाद वो फिर उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में सिस्टम से मिली 5 लकी ड्रॉ टनटना रहे थे। उसने फौरन सिस्टम को 5 लकी ड्रॉ खेलने का संकेत भेजा। संकेत मिलते ही सिस्टम ने 5 लकी ड्रॉ खिलाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में आई, लकी ड्रॉ में मिलने वाले इनाम आपके मार्शल लेवल पर निर्भर करते हैं। अब क्योंकि आप इननेट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं तो आपको मिलने वाले इनाम भी ज्यादा बड़े होंगे। आगे चलकर जब आप मार्शल राजा या आगे के लेवल पर जाएंगे तो लकी ड्रॉ में मिलने वाले इनाम इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। ये सुनते ही विराज के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो सोचने लगा, मतलब अब मुझे पहले से भी ज्यादा शानदार इनाम मिलेंगे। विराज की आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला होने लगा। जल्द ही वो तारों से भरी दुनिया में था। उसकी आंखों के सामने 5 घूमने वाले लकड़ी के पहिए रखे हुए थे। उसे अच्छे से पता था कि क्या करना है। उसने कहा, शुरू करो। ऐसा कहते ही सभी पहिए जोर जोर से घूमने लगे। कुछ देर बाद विराज ने कहा, रुको। उसके ऐसा कहते ही 5 लकड़ी के पहिए रुक गए। पहियों के रुकते ही सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने भू केंद्रित ज्वाला लैंप प्राप्त किया है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने बिगड़ेले बैल के शरीर सुधार विधि को प्राप्त किया है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने आत्मा पोषित गोली फॉर्मूला प्राप्त किया है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने नुकीली ब्लेड पत्ती प्राप्त किया है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने दिलों की धड़कन भट्टी प्राप्त की है।
सिस्टम की आवाज बंद होते ही विराज वापस से अपने बिस्तर पर था। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने 5 गेंदें हवा में तैर रही थी। उसने कुछ देर विचार किया और फिर पहली गेंद को पकड़ लिया। उस गेंद को पकड़ते ही उस गेंद के अंदर से एक पुराना लैंप प्रकट हुआ। विराज सोचने लगा, पता नहीं इस चीज का क्या उपयोग है। इसके बाद उसने उस भूकेंद्रित ज्वाला लैंप को लेकर उसे चारों ओर से देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी सिस्टम की आवाज आई, इस लैंप को प्राचीन समय में स्वर्ग की ज्वाला से बनाया गया था। इस प्राचीन गुप्त खजाने से अग्नि ऊर्जा को पोषित किया जाता है। इससे अग्नि ऊर्जा की शक्ति में अपार वृद्धि होती है। इसमें केवल एक कमी है। विराज ने मैचिंग हार्ट तकनीक विकसित कर ली थी। इससे उसकी क्षमता में वृद्धि हो गई थी। क्या इससे संस्थान के अंदर कोई नया तूफान आने वाला था? विराज को लकी ड्रॉ में 5 चीजें मिली थी। इन 5ों चीजों का क्या क्या काम था और ये विराज को किस तरह से लाभ देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 73, लकी ड्रॉ का खजाना। टावर ट्रायल में एक नया कीर्तिमान बनाने के दौरान विराज को कई सारे लकी ड्रॉ खेलने का मौका सिस्टम की ओर से मिला था। उसने 5 इनाम लकी ड्रॉ में जीत लिए। अब एक एक करके इन 5ों इनामों को वो समझने की कोशिश कर रहा था। पहला इनाम जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था वो था भू केंद्रित ज्वाला लैंप। भू केंद्रित ज्वाला लैंप अग्नि ऊर्जा को पोषित कर उसकी क्षमता में अपार वृद्धि कर देता था। सिस्टम विराज को बताता है कि इस भू केंद्रित ज्वाला लैंप की एक कमजोरी है, इसकी तेल बनाने की गति बहुत धीमी है। सिस्टम की बातें सुनने के बाद वो सोचने लगा, अग्नि ऊर्जा को पोषित करने से तो अग्नि ऊर्जा को विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे तो भू केंद्रित अग्नि ऊर्जा को मैं एक अलग ही स्तर पर ले जा सकूंगा। मुझे असाइनमेंट मिला है जहां भू केंद्रित अग्नि ऊर्जा को मुझे पृथ्वी की सुनहरी ज्वाला में बदलना है। इस भू केंद्रित ज्वाला लैंप की मदद से तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कर पाने में मुझे काफी मदद मिलेगी। कुछ देर गंभीरता से सोचने के बाद उसने अपनी लो ग्रेड यूनिवर्स रिंग से कुछ यूनिवर्स रिंग निकाली और उन्हें भू केंद्रित ज्वाला लैंप के पास ले गया। ऐसा होते ही भू केंद्रित ज्वाला लैंप से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और उस हल्की रोशनी से वो सभी यूनिवर्स रिंग पिघलने लगी। जल्द ही सभी यूनिवर्स रिंग हल्की रोशनी में घुल गई और उस हल्की रोशनी के साथ भू केंद्रित ज्वाला लैंप में समा गई। ऐसा होते ही भू केंद्रित ज्वाला लैंप में तेल की मात्रा बढ़ गई। उसने ध्यान दिया कि इतनी सारी यूनिवर्स रिंग के बदले में लैंप के अंदर तेल की मात्रा काफी कम बढ़ी थी। इसे देखकर वो समझ गया कि क्यों सिस्टम ने उसे बताया था कि इस भू केंद्रित ज्वाला लैंप की तेल में बदलने की दर बेहद कम है। पता नहीं एक बार पूरा भर जाने पर कितनी देर ये लैंप काम कर पाता होगा। चलो एक बार इस लैंप की गति का परीक्षण करके देखता हूँ। ऐसा सोचते ही उसने यूनिवर्स रिंग का एक छोटा सा ढेर बना लिया और उसके पास लेकर भू केंद्रित ऊर्जा लैंप को रख दिया। ऐसा होते ही लैंप से निकल हल्की रोशनी ने सभी यूनिवर्स रिंग को सोख लिया और लैंप के अंदर तेल की कुछ मात्रा इकट्ठा हो गई। इसे देखकर वो अपनी भू केंद्रित अग्नि ऊर्जा पर ध्यान लगाने लगा। उसके ऐसा करते ही उसकी अंतरात्मा के समुद्र से भू केंद्रित अग्नि ऊर्जा निकलने लगी और उसके दाई हाथ की एक उंगली से होते हुए शरीर के बाहर निकलने लगी। उंगली से निकलकर वो अग्नि ऊर्जा भू केंद्रित ज्वाला लैंप में समाने लगी। ऐसा होते ही भू केंद्रित ज्वाला लैंप से हल्की हल्की रोशनी चारों ओर बिखरने लगी। जल्द ही सारा कमरा उस रोशनी से खिल उठा। उस लैंप से एक सुगंधित महक उठने लगी। सारा कमरा उस सुगंध से भर उठा। वो सुगंधित महक जैसे ही उसके शरीर के अंदर पहुंची, वैसे ही तलवार तकनीक से जुड़ा ज्ञान का सार उसके शरीर में समाने लगा। शीघ्र ही स्वर्ग और धरती की ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी और उसमें समाने लगी। ये होते ही विराज की आंखें जगमगाने लगी और खुशी से झूमते हुए वो बोला, इस भू केंद्रित ज्वाला लैंप से तो मेरी मार्शल तकनीक में तेजी से सुधार हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लैंप हमारी मार्शल तकनीक में भी सुधार कर सकता है।
धीरे धीरे उसे इस लैंप की असली शक्ति का एहसास हो रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अलग ही उमंग से भरे तरंग उठ रहे थे। फिर उसने हवा में लटकी गेंदों की ओर देखा और उसने उन चार गेंदों में से एक गेंद को पकड़कर खींच लिया। ऐसा होते ही उसके हाथों में एक सूची पत्र आ गया। उस सूची पत्र पर लिखा था आत्मा पोषित गोली फॉर्मूला। आत्मा पोषित गोली से वो अनजान नहीं था। ये गोली आत्मा को पोषित कर उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि कर देती थी। इससे अंतरात्मा का समंदर तेजी से मजबूत होने लगता था। एक एल्केमिस्ट के लिए तो ये गोली किसी देवता के वरदान की तरह कीमती थी। एक एल्केमिस्ट के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती थी, एक थी अग्नि ऊर्जा और दूसरा था आत्मा को अधिक से अधिक मजबूत बनाना। और आत्मा पोषित गोली खाने के बाद तो आत्मा की शक्ति एक नए स्तर तक पहुंच जाती थी। आज उसे यह फॉर्मूला मिल गया था। फिर उसने उन हवा में लटकी तीन गेंदों में से एक गेंद को पकड़कर खींच लिया और एक लंबी नुकीली ब्लेड पत्ती उसके हाथों में चमचमाने लगी। उस नुकीली ब्लेड पत्ती के दोनों किनारे बेहद पैने और धारदार थे। उस ब्लेड से एक बेहद मजबूत तलवार की धार निकल रही थी। उस ब्लेड से निकलने वाली तलवार की वेब की धार इतनी शक्तिशाली और असरदार थी कि अगर विराज के पास कर्ण कवच तकनीक न होती तो इस ब्लेड की तलवार की धार से उसके शरीर पर भी कई घाव उभर आते। उसे देखकर वो सोचने लगा, पता नहीं इसका नाम नुकीली ब्लेड पत्ती किसने रख दिया, ये तो अपने आप में एक पूरी तलवार की तरह है। ऐसा सोचते ही वो पद्मासन लगाकर आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसके एक हाथ में नुकीली ब्लेड पत्ती थी। ध्यान में बैठते ही दिमागी तलवार धार पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही एक हल्की दिमागी धार की आभा उसके शरीर से निकली और उसके हाथ में रखी नुकीली ब्लेड पत्ती में जाकर समाने लगी। कुछ ही समय में तलवार ऊर्जा बड़ी मात्रा में पूरे कमरे में फैल गई। उसकी दिमागी ऊर्जा उस नुकीली ब्लेड पत्ती को तेजी से सोखते जा रही थी। धीरे धीरे नुकीली ब्लेड पट्टी का रंग पीला पड़ने लगा और जल्दी ही वो काले रंग में बदल गया। इसके बाद उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई। उन दरारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी और कुछ ही देर में नुकीली ब्लेड पट्टी चूर्ण के ढेर में बदल गई और जमीन पर जाकर गिर पड़ी। इसके बाद उसने हवा में लटकी बाकी दो गेंदों पर अपना ध्यान लगाया और उन दो गेंदों में से एक गेंद को पकड़कर खींच लिया। ऐसा होते ही एक प्राचीन पुस्तक उसके हाथों में जगमगाने लगी। उस किताब पर लिखा था बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार विधि। ये देखकर वो सोचने लगा, मतलब ये तकनीक बिगड़ैल बैलों से संबंधित है। ये समझकर उसे हल्की सी हंसी आ गई। उसके पास पहले से ही बिगड़ैल बैलों की कर्ण कवच तकनीक थी और अब ये नई तरह की तकनीक उसके हाथ में थी। इस तकनीक का संबंध जरूर बिगड़ैल बैलों के वंश से होगा। उसने पुस्तक को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तक के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर वो सोचने लगा, मैं जो सोच रहा था वही निकला। ये पुस्तक बिगड़ैल बैल की वंश परंपरा की एक धरोहर है और ये बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार तकनीक इसी विरासत का एक हिस्सा है। ये एक लो ग्रेड अर्थ रैंक तकनीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका स्तर हाई ग्रेड पावर रैंक कर्ण कवच तकनीक से ज्यादा है। कुछ देर तक पुस्तक को अच्छे से पढ़ने के बाद विराज पुस्तक को किनारे रखकर पद्मासन लगाकर आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया और बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार विधि को विकसित करने पर ध्यान लगाने लगा। तलवार धार उसके शरीर के हर हिस्से से होकर बहने लगी। उसके शरीर से निकलने वाली तलवार आभा से उसके सिर के बाल हवा में लहराने लगे। धीरे धीरे उसके शरीर से एक पतली आभा निकलने लगी। धीरे धीरे वो आभा मजबूत होने लगी। तभी विराज के पीछे एक बैल की परछाई प्रकट होने लगी। उस बैल की परछाई ने अपना सिर उठाया और हवा में चिल्लाने लगी। उस बैल की परछाई के खुर इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो स्वर्ग और धरती को अपने नीचे नेस्ता नाबूद कर देना चाह रहे थे। विराज के शरीर से निकलने वाली आभा लगातार मजबूत होते जा रही थी। तभी बैल की परछाई जीवंत हो उठी
और बैल तेज तेज आवाज में गर्जना करने लगा। इसके बाद वो बैल हवा से उतरकर विराज की कमर पर जाकर खड़ा हो गया। ऐसा होते ही विराज के मुंह से खून की उल्टी हो गई। काफी सारा खून उसके मुंह से निकलकर बाहर निकल पड़ा। खून का रंग एकदम काला था और कितनी ही अशुद्धियां उसमें भरी थी। खून की उल्टी होने की वजह से विराज ने आंखें खोल ली। उसका पूरा मुंह खून से भरा था। उसके सारे कपड़े खून से भीग चुके थे। पहले तो उसे लगा था कि बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार विधि कर्णक कवच तकनीक की तरह ही होगी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि ये विधि कर्णक कवच तकनीक से एकदम अलग थी। तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, कांग्रेचुलेशंस, आपने बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार तकनीक को सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वर्तमान स्तर प्रारंभिक लर्नर। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद वो सोचने लगा, इस बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार तकनीक को साधना एक बेहद ही जटिल और चुनौतीपूर्ण काम है। इस तकनीक को विकसित करना काफी कठिन कार्य है। भले ही ये मैचिंग हार्ट तकनीक से कम हो, पर इसको साधना मैचिंग हार्ट तकनीक को साधने जितना ही कठिन कार्य है। आने वाले कुछ समय में मैं इस तकनीक को विकसित नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी बिगड़ैल बैल की शरीर सुधार तकनीक का उपयोग करने के लिए मुझे दानव बैल प्रजाति के खून से बने पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बाद में कभी इस तकनीक पर मैं अपना ऊर्जा व्यय करूंगा। ये सोचने के बाद उसने बिगड़ैल बैल की प्राचीन पुस्तक को किनारे रख दिया और बची हुई आखिरी गेंद को पकड़कर खींच लिया। ऐसा करते ही दिलों की धड़कन भट्टी उसके हाथों में प्रकट हो गई। वो भट्टी गाढ़े लाल रंग की एक अजीब सी भट्टी थी। उस भट्टी को देखते ही उसने एनर्जी की वेब उस भट्टी से होकर गुजार दी। उसके ऐसा करते ही सुनहरे रंग की ज्वाला भट्टी में जल उठी। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और विराज के माथे पर पसीने की लकीरें दिखने लगी। ये देखकर उसने एनर्जी की वेब को भट्टी में डालना बंद कर दिया और बोला, एक दमदार असहनीय गर्मी से ओत प्रोत भट्टी। साधारण भट्टी से एनर्जी की वेब गुजारने पर उससे सामान्य प्रकार की अग्नि की लपट प्रकट होती है, जिससे फिफ्थ ग्रेड तक की सभी गोलियों को बनाया जा सकता है। हालांकि फिफ्थ ग्रेड से ऊपर की गोली बनाना सामान्य प्रकार की भट्टी से संभव नहीं होता, क्योंकि फिफ्थ ग्रेड की गोलियों को अधिक तापमान की जरूरत होती है। उस दिलों की धड़कन भट्टी को देखकर उसे महसूस हो रहा था कि वो इस भट्टी में किसी भी ग्रेड की गोली को बना सकता है। विराज को लकी ड्रॉ में कमाल की 5 चीजें मिली थी। वो इन 5 चीजों को किस तरह ढालेगा और किस तरह उन चीजों का उपयोग करके अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। क्या विराज दिलों की धड़कन भट्टी में सभी तरह की गोलियां बनाने में समर्थ हो सकेगा? क्या वो आत्मा पोषित गोली फॉर्मूले से आत्मा पोषित 6th ग्रेड गोली बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान आपके अपने पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 74 सम्राट परीक्षित। विराज के हाथों में दिलों की धड़कन भट्टी जगमगा रही थी। उस भट्टी को देखकर उसे एहसास हो रहा था कि इस भट्टी में किसी भी ग्रेड की गोली को बनाई जा सकती है। उसने ध्यान दिया कि दिलों की धड़कन भट्टी को विनर्वा के खून और जज्बातों से बनाया गया था। विनर्वा वो इंसान थे जिन्होंने अपनी कठोर साधना से भट्टी बनाने की कला में स्वर्गीय शिल्पकार की बराबरी कर ली थी। भट्टी में आग प्रज्वलित करने पर दिलों की धड़कन ज्वाला भी साथ में निकलने लगती थी। दिलों की धड़कन भट्टी की खूबियों को समझकर विराज ने उसे अपनी लो ग्रेड रिंग में रख लिया। वो अभी 4th ग्रेड एल्केमिस्ट था। इस भट्टी का उपयोग करने के लिए उसे अभी समय था। जिस समय विराज लकी ड्रॉ में मिले तोहफे को जानने और समझने में व्यस्त था, उसी समय राजधानी के अंदरूनी भाग में एक राजसी महल के राजसी दरबार में सिंहासन पर एक मध्यम उम्र के श्रेष्ठ पुरुष बैठे हुए गहन विचारों में खोए हुए थे। उनके हाथों में एक विशेष तरह का लॉकेट जगमगा रहा था। उस लॉकेट को देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे थे। ये वही लॉकेट था जो कुछ समय पहले अमायरा के हाथों में जगमगा रहा था और फिर सूर्य की किरण बनकर गायब हो गया था।
उस लॉकेट को बार बार अपने हाथों से उलट पलट कर देखते हुए बोले, मैंने तो इस बात की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी कोई सूरमा युवा आएगा और टावर ट्रायल में हमारे पूर्वजों की बनाई उस महान परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएगा, पर लगता है वो सूरमा युवा आ चुका है। मुझे उस युवा से निश्चित ही मिलना चाहिए, ऐसे प्रतिभा से साक्षात्कार तो आवश्यक है। इस घटना से अनजान विराज बिस्तर पर लेट चुका था। रात भर गहरी नींद मिलने के बाद सुबह होने पर वो काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। उसे जल्द से जल्द विकास दिव्य कीर्ति या कुमारिल के पास पहुंचना था। उसे गोली संस्थान की आंतरिक मार्शल तकनीक के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेनी थी। अभी छात्रावास वाली पहाड़ी को पार करके दूसरी पहाड़ी पर कदम रखा ही था कि उसने देखा कि सामने से कोई विद्यार्थी तेज गति से दौड़ता और हाफता हुआ उसी की ओर आ रहा था। वो उस विद्यार्थी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी वो विद्यार्थी तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आकर रुक गया और हाफता हुआ उससे बोलता है, अरे विराज, तुम यहाँ हो? सब लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, चलो जल्दी मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में दोनों कलेजा संस्थान के विशालकाय मुख्य दरवाजे के सामने खड़े थे। विराज ने देखा कि दरवाजे के सामने काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी खड़े थे, साथ ही कुमारिल भी वहां खड़े थे। कुमारिल ने विराज को देखकर मुस्कान के साथ कहा, विराज आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। तुम्हें पता है कि एक बेहद ही महान इंसान आज तुमसे मिलने आने वाले हैं। वो संस्थान के बाहरी दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, बस किसी भी पल यहाँ पर आते होंगे। तभी वहां पर एक विशाल और राजसी ठाट बाट लिए एक घोड़ा गाड़ी प्रकट हो गई। उस घोड़ा गाड़ी को देखकर विराज ने कहा, कलिंजर सम्राट की घोड़ा गाड़ी? ये देखकर वो सोचने लगा, मतलब कलिंजर अंपायर के सम्राट मुझसे मिलने आ रहे हैं। विराज ये सब सोच ही रहा था कि तभी चेहरे पर एक अलग ही तेज लिए एक मध्यम उम्र के इंसान उस घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलकर सामने प्रकट हो गए। सभी विद्यार्थी उन्हें देखकर झुककर उनका अभिवादन करने लगे। सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद सम्राट ने कुमारिल से कहा, मुझे भी तो अपने संस्थान के उस बेशकीमती हीरे से मिलवाइए जिसने 20वीं मंजिल को पहले ही प्रयास में पार कर लिया। हालांकि उनका इशारा ये था कि जिसने पहली बार उस विशेष परीक्षा को उत्तीर्ण किया था जिसे आज तक कोई भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, परंतु सभी विद्यार्थियों के सामने वो इस गोपनीय जानकारी को बेपर्दा नहीं कर सकते थे। ये सुनकर कुमारिल ने विराज के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को हल्का सा सहलाया और कहा, यही है हमारा वीर योद्धा विराज। ये सुनकर सम्राट की आंखें विराज पर जा टिकी। उन्हें विराज से हल्की सी जलन महसूस होने लगी। उन्होंने विराज की ओर मुस्कुराकर कहा, विराज बेटा, मैं कलिंजर अंपायर का सम्राट परीक्षित परिहार हूँ। तुम्हारी प्रतिभा ने तुमसे मिलने के लिए मुझे विवश कर दिया। जब से टावर ट्रायल बने थे तब से ये सम्राट परिहार के बनाए उस विशेष टावर ट्रायल को कोई भी विद्यार्थी पार नहीं कर पाया था। हालांकि कुछ विद्यार्थी उस विशेष ट्रायल मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, पर वो भी सम्राट परिहार द्वारा दी गई चुनौतियों को पार नहीं कर पाए थे। विराज ऐसा पहला था जो ना सिर्फ वहां पहुंचने में कामयाब रहा था अपितु उसने सम्राट परिहार द्वारा दी गई चुनौती को भी सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था। ये सुनकर विराज के चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी और उसने आदर से अपना सिर नीचे झुकाकर कलिंजर सम्राट के इस आशीर्वाद को शालीनता के साथ स्वीकार किया। सभी विद्यार्थी विराज को सम्राट परिहार से मिलते सम्मान को देखकर जलन के मारे खड़े खड़े ही जल भून रहे थे। एक नए विद्यार्थी का स्वागत करने स्वयं कलिंजर अंपायर के सम्राट परीक्षित परिहार आए थे। एक विद्यार्थी ने दूसरे से कहा, सम्राट परीक्षित ने विराज को बेटे कहकर संबोधित किया, क्या नसीब है इस लड़के का। सम्राट परीक्षित परिहार के आकर विराज से मिलने और उसे इतना सम्मान देने के बाद तो विराज का कद कलिंजर संस्थान में बहुत ज्यादा ऊंचा होने वाला है। दूसरे विद्यार्थी ने हसरत भरी नजरों से विराज और सम्राट की ओर देखकर कहा,
तीसरे विद्यार्थी ने कहा, 20वीं मंजिल को पार करना इतनी बड़ी घटना होती है कि स्वयं सम्राट परीक्षित परिहार मिलने चले आए। दूसरे ने आंखें फैलाते हुए कहा, वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर 20वीं मंजिल में ऐसा क्या था। 19वीं मंजिल तक तो इनाया भी पहुंची थी, तब तो सम्राट उससे मिलने नहीं आए थे। विद्यार्थियों की आपसी बातचीत का शोर वहां पर तेजी से बढ़ता जा रहा था। सम्राट परीक्षित भी विद्यार्थियों की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक शांति और मुस्कान के भाव थे। उन्होंने विराट से कहा, हमें किसी एकांत जगह पर चलकर बातचीत करनी चाहिए। ये सुनते ही कुमारिल ने सम्राट की ओर देखकर कहा, आपकी आज्ञा अनुसार एक कक्ष तैयार करवा दिया है। ऐसा कहते ही कुमारिल अपने हाथों से उस ओर इशारा करने लगे जिस तरफ सम्राट के बैठने के लिए विशेष कक्ष की व्यवस्था की गई थी। कुमारिल की बातें सुनकर सम्राट परीक्षित परिहार और विराज उस विशेष कक्ष की ओर बढ़ चले। सभी विद्यार्थी आंखें फाड़े विराज को सम्राट परिहार के साथ जाते देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि काश उनकी भी ऐसी किस्मत होती, उनके अंदर भी विराज जैसी शक्ति और बुद्धि होती। कक्ष के अंदर सम्राट परीक्षित अपने लिए बने एक विशेष आसन पर बैठ गए और उनके बगल में विराज बैठा था। बाकी सभी लोगों को सम्राट के कक्ष से बाहर जाने के लिए कह दिया था, इस वजह से कक्ष में बस वो दोनों ही लोग थे। तभी सम्राट परीक्षित परिहार ने अपने हाथों को हवा में उठाया और उन दोनों के चारों ओर पारदर्शी दीवार खड़ी हो गई। उस दीवार को उठता देख विराज समझ गया कि जरूर सम्राट परीक्षित को कोई गोपनीय और महत्वपूर्ण बातें उससे करनी थी। इसके बाद सम्राट परीक्षित ने विराज की ओर कौतूहल नजरों से देखकर कहा, विराज क्या तुम बता सकते हो कि हमारे पूर्वजों ने उस विशेष ट्रायल मंजिल पर क्या खजाना रख छोड़ा है? ये कहते कहते सम्राट परीक्षित के अंदर उत्सुकता की लहरें तेज गति से उठने लगी। सम्राट परीक्षित की इस उत्सुकता का कारण भी था। जब से टावर ट्रायल बने थे तब से परिहार परिवार में ये खबर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती थी कि टावर ट्रायल को बनाते समय सम्राट परिहार ने अपना कुछ विशेष खजाना एक विशेष मंजिल पर रख छोड़ा था। उस खजाने को वही विद्यार्थी प्राप्त कर सकता था जो पहले तो उस विशेष मंजिल तक पहुंचने के सभी मानकों को पूरा करने में काबिल हो और फिर सम्राट परिहार द्वारा दी गई चुनौती का सफलतापूर्वक सामना भी कर सके। पर क्योंकि आज तक कोई भी उस विशेष मंजिल से सफलता पाकर नहीं लौटा था, इस वजह से आज भी ये एक रहस्य बना हुआ था कि उस मंजिल पर सम्राट परिहार ने आखिर क्या खजाना छोड़ा था। ये रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी परिहार परिवार में हस्तांतरित होता रहा, पर इसका समन अभी भी नहीं हो सका था। सम्राट परीक्षित को भी इस मंजिल के बारे में जानकारी थी, पर वहां रखे खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनके काल में कोई विद्यार्थी उस मंजिल तक पहुंचकर सफलता पाकर वापस आ सकेगा। पर जब उन्हें अमायरा से ये सूचना मिली तो उत्सुकता के उनके पंखों ने तेजी से अपने पर फैला दिए और बिना कोई इंतजार किए वो तुरंत कलिंजर संस्थान की ओर चल पड़े। टावर ट्रायल को बने 1000 साल हो चुके थे। पिछले 1000 साल से परिहार परिवार उस उत्सुकता को मन में दबाए बैठा था कि वहां सम्राट परिहार ने कौन कौन से खजाने रख छोड़े थे। सम्राट परिहार की बात सुनकर विराज दंग रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस समय टावर ट्रायल के अंदर वो सम्राट परिहार के सामने खड़ा था, वहां खड़ा होना इतनी बड़ी घटना थी कि स्वयं सम्राट परीक्षित उस स्थान विशेष की जानकारी उससे मांगने आ जाएंगे। उसने सम्राट परीक्षित से विनम्रता के साथ कहा, उस मंजिल पर कुछ 6 खजाने हैं जो सम्राट परिहार ने वहां पर रख छोड़े हैं। मुझे उन 6 खजानों में से 1 खजाने को चुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने यादृच्छिक तरीके से उन 6 खजानों में से 1 खजाना चुन लिया। जो खजाना मुझे प्राप्त हुआ वो था तेंदुए के 9 घेरे। उन्होंने मुझे बताया कि ये तकनीक वर्धन फैमिली की विरासत का हिस्सा थी।
बाकी बचे 5 खजानों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर पहले तो सम्राट परीक्षित कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक प्रश्न विराज से पूछा, तो क्या तुमने अनुमान तक भी नहीं लगा कि उन 5 खजानों में क्या हो सकता था? इस पर विराज ने उत्तर दिया, सम्राट, मेरे सामने हवा में 6 रोशनी के गोले प्रकट हुए थे। उन सभी रोशनी के गोलों से तेज रोशनी निकल रही थी। ऐसे में उन रोशनी के गोलों में अंदर क्या रखा था ये देख पाना या समझ पाना नामुमकिन था। इसीलिए मुझे शेष 5 खजानों में क्या हो सकता है इस बात का अंदाजा तक भी नहीं है। ये सुनकर सम्राट परीक्षित के चेहरे पर हल्की सी निराशा उभर आई। फिर कुछ देर सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा खैर, जहां तक मुझे मालूम है, तेंदुए के 9 घेरे को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में कीमती और दुर्लभ जड़ी बूटियों और औषधियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मुझे लगता है कि तुम अपने दम पर लंबे समय तक इस तकनीक को विकसित नहीं कर पाओगे। मेरा एक विशेष काम है जिसे करने के लिए मुझे एक विशेष योद्धा की जरूरत है। अगर तुम वो काम करने की सहमति मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें इस तकनीक के लिए जरूरी सभी जड़ी बूटियों और औषधियां उपलब्ध करा दूंगा। आखिर सम्राट परीक्षित को विराज से ऐसा क्या काम था जिसके लिए वो विराज को कीमती और दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो गए? क्या विराज सम्राट परीक्षित के उस विशेष काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या उस विशेष काम को करने के चलते विराज के जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट FM। सेल्फ मेड शक्तिमान, एपिसोड 75, महासेना वसु। यह सुनकर विराज गहरी सोच में पड़ गया। जब मैंने तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को विकसित करने की कोशिश की थी तो मुझे बड़ी मात्रा में ऐसी जड़ी बूटियां और औषधियां की जरूरत तो थी जो मेरे पास नहीं थी। इस वजह से मुझे इस तकनीक को बीच में ही रोकना पड़ा था। सिस्टम भी इसे विकसित करने में मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सम्राट परीक्षित तो आसानी से मुझे सभी जरूरी चीजें दिलवा सकते हैं। विराज ने सम्राट परीक्षित की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? सम्राट परीक्षित ने अपने शब्दों को समेटते हुए कहा, तुम्हें बस एक काम करना होगा। तुम्हें राजधानी की वसु फैमिली का दमन करने में मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर विराज के पैरों तले जमीन सरक गई। उसने इस तरह की किसी बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी। इतने शक्तिशाली अंपायर का सम्राट उससे अपने ही राज्य के किसी परिवार का दमन करने के लिए मदद मांग रहा था। वो सोचने लगा, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि सम्राट परीक्षित आने वाले समय में राजधानी की वसु फैमिली पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? इसका मतलब वसु फैमिली के लोगों का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि सम्राट तक को इससे समस्या पैदा होने लगी है। विराज को इस तरह सोच में खोया देख सम्राट परीक्षित ने कहा, तुम्हें वसु फैमिली की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग किसी भी तरह की माफी के लायक नहीं है। ब्लैक फायर पाइथन के धर्म के लोगों के साथ मिलकर इस परिवार ने कितने ही षड्यंत्रों को रचा है। इससे कलिंजर अंपायर की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर मेरे पूर्वजों ने इस परिवार को 1000 साल का संरक्षण और उसके बाद कुछ समय का परछाई संरक्षण ना दिया होता तो मैं अभी तक सेना भेजकर इस परिवार को जड़ समेत समाप्त करवा देता। ऐसा कहते कहते क्रोध से उनकी आंखें चमकने लगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम वसु फैमिली का दमन मेरे लिए करो। जब तक वसु फैमिली अपने दम पर तुम्हारा मुकाबला करती रहेगी तब तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ब्लैक फायर पाइथन धर्म का साथ? ये सोचकर ही विराज के रोंगटे खड़े हो गए। वो इस धर्म की शक्तिशाली परंपरा से अच्छे से वाकिफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सम्राट परीक्षित को क्या उत्तर दे। फिर उसने सोचा, मुझे तो वैसे भी वसु फैमिली के अस्तित्व को मिटाना ही है। ऐसे में सम्राट परीक्षित का साथ तो मेरे लिए कमाल की घटना है।
इससे मेरी शक्ति में अपार वृद्धि होगी। साथ ही वसु फैमिली से उलझते समय अगर कोई बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी तो मुझे कलिंजर अंपायर से सीधे मदद मिल सकेगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये सब सोचने के बाद उसने अपना सिर सहमति में हिलाते हुए कहा, मुझे सम्राट की शर्त स्वीकार है। ये सुनकर सम्राट परीक्षित के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर से एक टोकन बाहर निकाला और उसे विराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस टोकन को रख लो। इस टोकन को दिखाकर तुम औषधियों के शाही गोदाम में दाखिल हो सकोगे। तेंदुए के 9 गैर तकनीक को पाने के लिए तुम्हें जिस भी औषधि या जड़ी बूटी की जरूरत होगी वो सभी तुम्हें वहां मिल जाएगी। पर जिस समय तुम राजधानी की वसु फैमिली का दमन करना शुरू करोगे तब तुम्हें बेहद चौकन्ना और सतर्क रहना होगा। उनके जासूस पूरे नगर में भरे पड़े हैं। ये सुनकर विराज ने उस टोकन को ले लिया और विनम्रता के साथ कहा, आप निश्चिंत रहे, मुझे पता है कि मुझे इस परिवार का दमन कैसे करना है। तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, कांग्रेचुलेशंस, अभी अभी एक असाइनमेंट ट्रिगर हुआ है। असाइनमेंट का नाम है वसु फैमिली का दमन। तुम्हें अगले 3 महीनों के अंदर कोई मजबूत योजना बनाकर राजधानी की वसु फैमिली का दमन करना होगा। तुम्हारा इनाम इस परिणाम पर तय होगा कि तुम वसु फैमिली को कितना नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे हो। तभी सम्राट परीक्षित ने कहा, मेरा यहाँ आने का मुख्य मकसद तुमसे मिलना था और उस महान विशेष ट्रायल मंजिल के बारे में जानना था। साथ ही अपने इस विशेष काम को तुम्हें सौंपना भी था। अब मेरे सभी काम पूरे हो चुके हैं तो मुझे चलना चाहिए। ऐसा कहते ही उन्होंने हवा में हाथ हिलाकर चारों ओर बनी पारदर्शी दीवार को गिरा दिया। विराज ने खड़े होकर उन्हें झुककर अभिवादन किया। वो तेजी से उठकर वहां से चले गए। तभी विद्यार्थियों की भीड़ को चीरता हुआ विपुल वहां प्रकट हुआ और तेजी से विराज के पास जाकर कहा, सम्राट परीक्षित से शाबाशी पाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो विराज। ये सुनकर विराज ने उत्तर दिया, सीनियर विपुल हमेशा मजाक करते रहते हैं। ये सुनकर विपुल ने विराज के कानों के पास जाकर हल्की आवाज में कहा, वैसे जब तुम राजधानी की वसु फैमिली का दमन करने के लिए जाओगे तो अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। ये सुनते ही विराज अंदर तक घबरा गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके और सम्राट की इस गुप्त बातचीत की जानकारी विपुल को कैसे लग गई। अभी तक तो उसने वसु फैमिली का दमन करने की योजना पर काम करना भी शुरू नहीं किया है, पर अभी से ये खबर बाहर आ जाएगी तो इससे तो उसके लिए कितनी ही मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। विराज के अंदर उठ रहे इस तूफान को भाप कर विपुल ने कहा, तुम्हें घबराने या किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भविष्य में रुद्र फैमिली का होने वाला राजा हूँ, साथ ही सम्राट परीक्षित का भांजा हूँ। इस वजह से मुझे कितनी ही गुप्त और रहस्यमय जानकारियाँ पता है। मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे मामा लंबे समय से राजधानी की वसु फैमिली की हरकतों से त्रस्त हैं। वो किसी ना किसी तरह वसु फैमिली का दमन करने का मार्ग खोज ही रहे थे। अगर उन्हें इस कार्य को करने के लिए तुम्हारे जैसा योग्य वीर ना मिला होता तो शायद वो ये कार्य मुझे ही सौंपने वाले थे। विपुल की बात सुनकर विराज के अंदर कई सारे प्रश्न उठ खड़े हुए। उसने विपुल से कहा, अगर ऐसी बात है तो सम्राट के पास तो एक से बढ़कर एक योद्धा होंगे, तो उन्हें अब तक वसु फैमिली का दमन करने के लिए इंतजार करने की क्या जरूरत थी? साथ ही उन्हें इस काम के लिए मेरी जरूरत क्यों पड़ी? जब परिहार फैमिली को पता था कि वसु फैमिली ब्लैक फायर पायतन धर्म को गुप्त रूप से मदद पहुंचा रही है तो कारण तो काफी था पूरे वसु फैमिली को समाप्त करने के लिए। ये सुनकर विपुल के चेहरे का रंग उतर गया और उसने लाचार होकर कहा, बात इतनी सरल नहीं है विराज। तुम्हें हम राजवंशों के अंदरूनी मामलों की अभी जानकारी नहीं है, इसीलिए ऐसा सोच रहे हो। अभी तक तो तुम राजधानी भी नहीं गए हो, तुम्हें अंदर की खबर ही नहीं पता है। भले ही कितने ही शक्तिशाली ताकतें राजधानी की वसु फैमिली को नेस्ता नाबूद कर देना चाहती है,
और भले ही परिहार फैमिली का 1000 साल का संरक्षण और परछाई संरक्षण समाप्त हो जाए, तब भी कोई भी शक्तिशाली ताकत वसु फैमिली पर आक्रमण नहीं करेगी। ये सुनकर विराज का दिल धक सा गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोरदार हथौड़ा दे मारा हो। वो अकेला ही वसु फैमिली को नष्ट करने की योजना बना रहा था और सारी शक्तिशाली ताकतें वसु फैमिली से नजरें छुपा रही थी। उसने विपुल से पूछा, क्या वसु फैमिली के पास कोई बड़ी शक्ति है जिससे सभी ताकतें भयक्रांत है? विपुल ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वसु फैमिली के पास एक तुरप का पत्ता है। ये सुनकर विराज के अंदर भय का संचार होने लगा। उसे लगा कि अभी तो उसे पहले वसु फैमिली की वास्तविक शक्ति का आकलन करने की जरूरत है, लड़ाई करना तो बात की बात थी। उसने कहा, क्या सीनियर विपुल सही कह रहे हैं? विपुल ने गुस्से के अंगारे आंखों से छोड़ते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतने समय से वसु फैमिली कैसे बचती आई है? जितना इस परिवार ने उत्पात मचाया है ना, बिना उस शक्तिशाली मदद के इनका अस्तित्व कब का धरती से मिट चुका होता। वो और कोई नहीं, वसु फैमिली के शक्तिशाली पूर्वज महासेना वसु है। ये सुनकर विराज अंदर तक कांप गया। उसे लगा जैसे कि किसी ने उसके बढ़ते कदमों पर लोहे की बेड़िया जकड़ दी हो और वो उन बेड़ियों में बुरी तरह कैद हो गया हो और चाहकर भी उन बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पा रहा हो। उसने कहा, महासेना वसु, उन 7 लोगों में से एक जिसने कलिंजर अंपायर की स्थापना की थी, उनकी शक्ति काल्पी वर्धन और अजय वर्धन के बाद सबसे ज्यादा थी। यदि ये आज भी जीवित है तो इसीलिए अन्य शक्तियां वसु फैमिली पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पा रही है। विपुल ने कहा, महासेना वसु एक मार्शल मोनार्क स्तर के योद्धा है। उन्हीं के डर से शक्तिशाली ताकतें वसु फैमिली पर हमला करने से कतराती रही है। उन सभी परिवारों को ये डर सताता है कि कहीं महासेना वसु उनके युवाओं को पूरी तरह सफाया न कर डाले। इससे तो उनका पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसी कारण से वसु फैमिली कितने भी दुष्ट कृत्य कर ले, कोई उसे कुछ नहीं कह पाता। ये जानकर विराज ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसे जब सिस्टम से वसु फैमिली के दमन का असाइनमेंट मिला था तो उसे ये एक आसान काम लगा था। उसे लगा था कि जब इतनी सारी शक्तियां वसु फैमिली के विरुद्ध हैं, तो वसु फैमिली का खेल खत्म करना आसान काम होगा। पर अब उसे यह आसान काम नहीं लग रहा था। महासेना वसु के जिंदा होने की खबर के बाद उसने वसु फैमिली के दमन का विचार फिलहाल त्याग दिया। ये सोचते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई दूसरा रास्ता मुझे ढूंढना होगा। फिर विपुल ने कहा, विराज एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। ये सुनकर तो विराज का दिल जोरों से घबराने लगा। उसे लगा कि अब भी वसु फैमिली का कोई शक्तिशाली राज बचा है जो उसे मालूम ना हो। उसने डरते हुए पूछा, क्या बताना था तुमको मुझे? विपुल ने कहा, उत्तर सागर की प्राचीन धरती पर कुछ ही समय में एक ट्रायल शुरू होने वाला है। मार्शल पूर्वज के कम स्तर के सभी योद्धाओं के लिए ये मुकाबला लाभदायक रहते हैं। क्या तुम भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहोगे? उत्तर सागर की उस प्राचीन धरती पर हमारी रुद्र फैमिली का नियंत्रण है। ये मुकाबला हर 3 साल में एक बार होता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस मुकाबले का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे इसका अच्छा खासा मूल्य चुकाना पड़ता है। मैं वहां का राजकुमार हूं तो मेरी विशेष इजाजत के चलते तुम्हें कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर विराज ने जवाब दिया, अब क्योंकि आप मुझे इस मुकाबले का हिस्सा होने लायक समझ रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब ये तय हुआ कि तुम मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो।
विराज ने विपुल के उत्तर सागर की प्राचीन भूमि पर होने वाले मुकाबले के लिए हाँ कर दी थी। ऐसे में उस मुकाबले में विराज को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पॉकेट एफएम।